कई जो जीते वो पार्लियामेंट पहुंचे, जो हारे वो आगे स्ट्रगल करेंगे। हम तो कहीं नहीं थे, ना लड़ने वाले में थे और लड़े नहीं तो जीतने वाले में भी नहीं थे। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ हम लोगों को जानकारी है। मुझे मेरी पार्टी ने लड़ने के लायक नहीं छोड़ा और जो कुछ बयान दिया उस वक्त हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, वो भी याद होगा आपको। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं अब इस पार्टी में बिल्कुल नहीं रहूंगा और दुनिया इधर की उधर हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं सोचूंगा। अब मेरी पिछले दिनों 3 लंबी लंबी मीटिंग माननीय नीतीश कुमार जी से हुई है। 2 मरतबा ढाई ढाई घंटे की बात हुई, 1 मरतबा 1 घंटे की बात हुई और जो जो कार्यक्रम दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, आम आदमी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए खासतौर से जो चला रहे हैं और जो डेवलपमेंट का काम बिहार में हो रहा है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी और मुझे बड़ी खुशी है कि उनके जो पार्टी के विचार हैं, जो समाजवादी विचार हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर हो, अति पिछड़ा के मुद्दे पर हो, पिछड़ा के मुद्दे पर हो, गरीब के मुद्दे पर हो, कश्मीर के मुद्दे पर हो, देश के मुद्दे पर हो, उसमें उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और विस्तार से बातचीत करने के बाद मेरे 3 मरतबा बताया मैंने आपको, 1 मरतबा ढाई घंटा, 2 मरतबा ढाई घंटा, 1 मरतबा 1.25 घंटा जो विस्तार से बातचीत हुई है उसी के बुनियाद पर मैं पूरे दरभंगा जिला में, मधुबनी में, समस्तीपुर में और मेरे जहां जहां भी दोस्त हैं, समर्थक हैं, उनसे मैं बातें कर रहा हूं और मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट और जो गरीब लोगों के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसके साथ मिलकर काम करना है और बहुत अनकरीब मैं आप जो हमारे दरभंगा के लोग हैं, जहां से मैं 7 मरतबा चुनाव लड़ा हूं और 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर भी रहा हूं, तो जो भी हमारे सहयोगी हैं या रहे हैं सबसे बुला करके भी राय कर रहा हूं, जा करके लोगों से मिलके भी राय कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं उनको कि मेरे पास अब जनता दल यू में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपके जरिए भी अपील करना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि वो आए, मुझे अपना समर्थन दें और ये जो फैसला हमारा हो रहा है जनता दल यू के लिए।